कांग्रेस के नेता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर क्यों है आक्रामक, हो गया खुलासा। कांग्रेस सपा के साथ कुछ बड़ा खेला करने वाली है। टीम कांग्रेस के कप्तान को सियासत में कुदरत के निजाम पर हो गया विश्वास। मायावती ठीक वैसा ही करेंगी जैसा राजभर ने किया। कांग्रेस की राजनीति अगर हो गई कामयाब तो अखिलेश की सियासत पर बढ़ेगा दबाव। जवाब के तौर पर अपनाना पड़ेगा एक ही रास्ता। नीतीश लालू जब कांग्रेस के रणनीतिकारों की रणनीति से नाराज हुए तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तपाक से नीतीश से बात कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन ये बात हर किसी की समझ से परे है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की कांग्रेस से भयंकर नाराजगी के बाद भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनसे सीधा संपर्क क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं, खड़गे राहुल प्रियंका समेत कांग्रेस के रणनीतिकारों के मन में कुछ तो है, कुछ तो कांग्रेस के अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है। माना जा रहा है कांग्रेस के बड़े नेताओं को उम्मीद है कि बीएसपी प्रमुख मायावती सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की तरह ही फैसला ले सकती हैं, जिससे कांग्रेस की राजनीति मजबूत होगी। तो सवाल है राजभर का, वो कौन सा फैसला है जिसकी उम्मीद कांग्रेस के रणनीतिकारों को है, और अगर मायावती ने ऐसा फैसला लिया तो अखिलेश की राजनीति पर दबाव तो जरूर पड़ेगा। इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए, कांग्रेस की पूरी राजनीति आपको समझ में आ जाएगी। 5 महीने पहले जब कर्नाटक में कांग्रेस सत्तारूढ़ होने जा रही थी, तब शपथ ग्रहण समारोह के लिए उसने बीएसपी चीफ मायावती को न्योता देने की जरूरत नहीं समझी। हालांकि अखिलेश यादव को इस समारोह में शामिल होने के लिए खास तौर से आमंत्रित किया गया। ये वही समय था जब पीएम मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन आकार ले रहा था, जिसने बाद में इंडिया नाम लिया। उस वक्त कांग्रेस को लग रहा था कि यूपी में बीएसपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी को साथ रखने में ज्यादा फायदा है। यूपी की पॉलिटिक्स में एसपी और बीएसपी दो ऐसी तलवारें हैं जो एक म्यान में नहीं रखी जा सकती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव का जो अनुभव रहा, या फिर 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव बीएसपी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन को राजी नहीं दिखे। बीएसपी को साथ लेने का मतलब एसपी के छिटकने का खतरा था, इसीलिए कांग्रेस की प्राथमिकता एसपी थी। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों में ऐसी खटास आई है, जिसके बाद इस बात की संभावना कम ही रह गई है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया का हिस्सा भी रहेगी। अखिलेश यादव के जो हालिया बयान हैं, उन पर अगर ध्यान दें तो साफ है कि इंडिया उनकी कोई मजबूरी नहीं है। एक बात तो उन्होंने ये भी कही है कि गठबंधन में वो सीट लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर गठबंधन होता भी है तो सपा यूपी में कम से कम 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा के दूसरे नेताओं ने भी कांग्रेस के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपना मोर्चा खोल रखा है। यहीं से कांग्रेस के लिए यूपी में बीएसपी की जरूरत महसूस हुई है। कांग्रेस के कई नेता सार्वजनिक रूप से बीएसपी को इंडिया में शामिल किए जाने के पैरोकारी करने लगे हैं। बीएसपी के खिलाफ एक तरफा सीज फायर का ऐलान हो गया है। कांग्रेस का जो दलित संवाद कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी बीएसपी और मायावती के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचा जा रहा है, जबकि पार्टी नेतृत्व को पता है कि कांग्रेस के पाले में उसका परंपरागत वोट उसी सूरत में वापस आ सकता है जब वो खुद को बीएसपी के विकल्प के रूप में पेश कर सके। कांग्रेस को आज की तारीख में अगर बीएसपी की जरूरत महसूस हो रही है तो उसकी दो वजहें हैं। पहली वजह तो ये है कि यूपी में उसे वजूद बचाए रखने के लिए किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन में जाना ही होगा। अकेले उसका इस प्रदेश में कोई वजूद नहीं है, अगर एसपी नहीं तो बीएसपी ही सही। दूसरी ओर उसे लगता है कि अगर बीएसपी को अपने पाले में कर लिया जाए या करने की कोशिश दिखाई जाए तो सपा को दबाव में रखा जा सकता है। कांग्रेस के कुछ नेताओं की ये सोच है कि बीएसपी को इंडिया में आने से रोकने के लिए अखिलेश यादव नरम पड़ सकते हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में स्वीकारते हैं कि मध्य प्रदेश को लेकर बात ज्यादा बिगड़ गई, वरना यूपी को लेकर सपा के साथ कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। सपा स्वाभाविक रूप से सीट शेयरिंग में बड़े भाई के रोल में रहती। अगर अखिलेश नरम पड़ते हैं और वो इंडिया में रहना चाहते हैं तो फिर से स्थितियां ठीक हो सकती हैं। कांग्रेस स्वाभाविक रूप से उन्हीं सीटों पर अपना दावा करेगी जहां की समीकरण वो अपने अनुकूल पाती है। उधर लालू यादव को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के कई राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में है और कांग्रेस एसपी के रिश्तों को बहाल करवाना चाहते हैं। अब आते हैं ओपी राजभर के उस फैसले पर जिसकी उम्मीद कांग्रेस मायावती से लगाकर बैठी। याद हो याद कीजिए, राजभर बीजेपी के खिलाफ किस तरह से आग उगलते थे और उसी दौरान बीजेपी की ओर से प्रयास किया जा रहा था। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के पाले में आए, इधर राजभर की ओर से बार बार इस बात से इनकार किया जा रहा था वो बीजेपी से दोस्ती नहीं करने वाले हैं। इस दौरान वो मायावती और कांग्रेस की तारीफ करते नजर आ रहे थे।
लेकिन अंत में सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने बीजेपी से दोस्ती कर ली। अब ठीक इसी तरह के फैसले लेने की उम्मीद खड़गे, राहुल और प्रियंका समेत कांग्रेस को मायावती से। लेकिन ये बात और है कि समाजवादी पार्टी के साथ रिश्तों में आई खटास के बाद कांग्रेसी नेताओं की तरफ से बीएसपी को इंडिया में शामिल करने की पैरोकारी तो शुरू हुई है, लेकिन वो एक तरफा है। अभी तक बीएसपी चीफ की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे लगे कि वो इंडिया में शामिल होना चाहती है। वो अपने इस बयान पर कायम है कि बीएसपी ना तो एनडीए का हिस्सा होगी और न ही इंडिया का। कांग्रेस के खिलाफ उनके तीखे बयानों में भी कोई कमी नहीं आई है। 1996 विधानसभा चुनाव का उनका अनुभव भी बहुत अच्छा नहीं रहा। तब कांग्रेस और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ी थी, बीएसपी को एक भी सीट का फायदा नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस की सीट और वोट प्रतिशत दोनों बढ़ गए थे। बीएसपी ने उस समय आरोप लगाया था कि उसका वोट तो कांग्रेस को ट्रांसफर हो गया था, लेकिन कांग्रेस का वोट उसे ट्रांसफर नहीं हुआ। मायावती की कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर इसलिए भी कोई रुचि नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि कांग्रेस ये साबित नहीं कर पा रही है कि आज की तारीख में उसका बेस वोट है कौन सा। कांग्रेस यूपी में सिर्फ संभावनाओं पर अपना दावा पेश कर रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।